छठ महापर्व इन चीजों के बिना है अधूरा, पूजा में जरूर करें इन्हें शामिल। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दिवाली के खत्म होते ही बाजारों में अब छठ की खरीदारी देखने को मिल रही है। फलों और मिठाइयों की दुकानें सज चुकी हैं। छठ पूजा की खरीदारी के दौरान बाजारों में अत्यधिक भीड़ देखने को मिलती है। सनातन धर्म का महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू धर्म में छठ का बहुत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि लोगों द्वारा सच्चे मन से मांगी गई इच्छाएं छठी मैया पूरी करती हैं। सुख समृद्धि से लेकर संतान सुख तक की प्राप्ति छठ पूजा से होती है। वैसे तो छठ बिहार का महापर्व है, लेकिन इसे झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। इन दिनों घाटों की रौनक कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। बता दें कि छठ एक ऐसा त्यौहार है जिसमें डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। आस्था और संस्कृति का ये महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। नहाय खाय से छठ पूजा की शुरुआत हो जाती है और उषा अर्घ से इस पर्व का समापन होता है। अगर कोई महिला या पुरुष इस साल पहली बार छठ व्रत करने की सोच रहे हैं तो उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए कि इस पूजा में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। हिंदू पंचांग के मुताबिक छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है और इसकी समाप्ति अष्टमी तिथि में हो जाती है। जिन लोगों को छठ पूजा की सामग्री के बारे में जानकारी नहीं है, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें पीतल का पात्र, फल, सुपारी, चावल, सिंदूर, फूल, पूजा के लिए थाल, पान के पत्ते, गाय की घी, शहद, धूप, शकरकंदी, सुथनी, गुड़, सूप, गागर नींबू, पानी वाले नारियल, मिठाइयाँ, अड़वा चावल, गंगाजल, बांस का डाला, पीतल का लोटा, ठेकुआ, गेहूं व चावल का आटा, एक मूली, अदरक, अरकत, पात, मौली, कोसी, मिट्टी से बने हाथी और छठ व्रत वाले करने वाले व्यक्ति के लिए नए कपड़े, इन सभी की जरूरत होती है। इन तमाम चीज़ों का अपना अलग महत्व है। बिना इन चीज़ों के छठ पूजा अधूरी होती है। चूँकि छठ अटूट श्रद्धा और समर्पण को दर्शाता है, छठ व्रती अपनी पूरी निष्ठा और 36 घंटों तक निर्जला उपवास रखकर छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए इन चीज़ों को अर्पण करते हैं। छठ पूजा का सिर्फ व्रत ही कर लेने से या भोग लगा देने से पूजा संपन्न नहीं हो जाती। व्रत के दौरान साधकों को कुछ नियमों का पालन भी करना जरूरी है। छठ पूजा व्रत करने वाले साधक को खास तौर से पलंग या किसी तखत पर नहीं सोना चाहिए, वो जमीन पर चादर बिछाकर सो सकते हैं। छठ पूजा में घाट पर सूर्य देवता को अर्घ देने से पहले घर से ही नए वस्त्र धारण करने चाहिए। छठ से पहले ही मांस व मदिरा का सेवन करना छोड़ देना चाहिए। यहाँ तक कि मांस मदिरा की ना बातें करनी चाहिए और ना ही उसके बारे में सोचना चाहिए। इसके साथ ही लहसुन और प्याज से बना खाना भी नहीं खाना चाहिए। साधक को छठ पूजा के दौरान सात्विक भोजन ही ग्रहण करनी चाहिए। अगर कोई साधक साफ और पवित्र मन से पूजा नहीं कर पाता है तो छठी मैया के प्रकोप का उसे सामना करना पड़ सकता है। साथ ही व्रत के दौरान साधक को किसी से भी विवाद नहीं करना चाहिए और किसी को अपशब्द कहने से बचना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग और महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमने जो भी बातें बताई वो धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक थी। अधिक और स्पष्ट जानकारी के लिए आप संबंधित विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं।